Good morning, students. Today we are picking up a very famous poem by Sitakant Mahapatra, The Election. Now, if we want a little introduction about the author, Sitakant Mahapatra is one of the major voices in contemporary Odia poetry. Sitakant Mahapatra, born in 1937, combines the roles of academician, translator, poet, and critique. Much of his work is marked by simplicity of language and themes and emphasizes the necessity of life to go on in the face of cruelty and death. He raises the age-old human quest for a measure of understanding which can confer some degree of peace in his poems. नाउ लेखक जो है बच्चों ये सीताकांत महापात्रा हैं और ये आज के दौर के बहुत फेमस उड़िया कवि हैं. 1937 का इनका जन्म है और केवल कवि नहीं हैं, एकेडमिशियन भी हैं, यानी ज्ञान लेने देने में इनका बड़ा सरोकार है. ट्रांसलेटर भी हैं, अनुवाद भी करते हैं, कवि तो हैं ही और क्रिटिक भी हैं, आलोचना भी करते हैं. ज़्यादातर जो काम इनका है वो बहुत साधारण शब्दों में काम किया गया है, यानी भाषा का और मुद्दे जो उठाए हैं वो भी बहुत साधारण हैं. इनका एम्फसिस या जो जोर है वो किस चीज़ पर है, वो है नेसेसिटी ऑफ लाइफ टू गो ऑन, कि हर हाल में ज़िंदगी जो है वो जीनी पड़ती है. द शो मस्ट गो ऑन, जैसे आपने अक्सर सुना हो कि हर हाल में ज़िंदगी रुकती नहीं है, थमती नहीं है, चलती रहती है. चाहे सामना किसी से भी क्यों ना हो, क्रुएलिटी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी नहीं रुकती. किसी के मर जाने से ज़िंदगी जीना हम नहीं छोड़ते हैं. ही रेजेज़ द एज ओल्ड ह्यूमन क्वेस्ट फॉर अ मेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इंसान सदियों से सिर्फ एक ही प्रयास में रत है और वो है समझने का, अंडरस्टैंडिंग, मेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कितना समझ पाए किसी चीज़ को. और ये जो समझ ही है और ये जो खोज है, जो अनंत है, यही जो है थोड़ी बहुत शांति इसकी कविताओं में हमें प्रदान कर सकती है. और अगर इस स्पेसिफिक कविता की हम बात करें, अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएम द इलेक्शन, दिस पोएम क्रिएट्स एन ऑलमोस्ट सरियल पिक्चर जक्स्टापोजिंग प्राइवेट एग्नीज एंड द ट्रैपिंग्स बोथ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड इमोशंस ऑफ एन इलेक्शन. ये कविता है एक इलेक्शन सीन के बारे में और इलेक्शन में एक के बाद एक पिक्चर्स जो हैं वो एक के ऊपर एक हावी होती हुई सी नज़र आपको इस कविता को पढ़ते समय आएंगी. प्राइवेट एग्नीज, वो मतदाताओं की ट्रैपिंग्स, यानी जो भी लाभ लश्कर लवाजमा होता है एक इलेक्शन के दौरान, वो सब जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन भावनाओं के साथ जुड़ा है इन्हें. प्राइवेट एग्नीज हमारी इमोशंस हो गए और ट्रैपिंग्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो गए जो इलेक्शन से जुड़े हुए होते हैं. तो इलेक्शन के दौर का भावनात्मक पहलू भी और मटेरियलिस्टिक पहलू भी, दोनों ही इस कविता को पढ़ने पर बहुत क्लियरली समझ में आता है. द पॉवर्टी एंड हंगर विच रेवेजेज द विलेजेस ऑफ ओडिशा कॉजिंग स्टार्वेशन डेथ्स इज द बैकग्राउंड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रीडिंग दिस पोएम. और इस कविता को पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ओडिशा के गांवों की स्पेशली क्या हालत है. वहाँ पे भूखमरी है, बहुत हद तक गरीबी है, और यहाँ तक है कि लोग भूख से मर रहे हैं, यानी स्टार्वेशन डेथ्स वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं. तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इस कविता को हमें पढ़ना है. But in spite of the despair which pervades the life of the poor villagers, their duty as citizens is inescapable. अब ये देख लीजिए, चाहे वो कितने ही गरीबी में क्यों ना हो, कितनी ही भुखमरी से गुजर रहे हो, बहुत निराशा हताशा से गुजर रहे हो, उनकी ज़िंदगी में निराशा घर कर गई हो, फिर भी ऐसे गरीबी के हाल में भी इन लोगों से एक नागरिक
या सिटीज़न की जो कर्तव्य हैं उनका पूरा करना, उससे वो नहीं बच सकते। कर्तव्यों को पूरा इन्हें भी करना है एक नागरिक की हैसियत से, यानी चुनाव में हिस्सा लेना है, मतदान भी करना है। When it is time for the elections, they have to exercise the anguish of choice. और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इनको भी प्रयोग करना है क्या, the anguish of choice. Anguish क्या होता है? Agony यानी दर्द, जिससे गुजरना होता है चूज़ करने के लिए, यानी आपको कुछ चुनना है, किसी को छोड़ना है, दूसरे को चुनना है। और हमेशा ही एक कठिन प्रक्रिया होती है चुनाव, लेकिन यहाँ पे उनको भी गुजरना पड़ता है। अनमाइंडफुल ऑफ देयर ग्रीफ एंड एगनी, और वो अपना दुख, अपनी गरीबी, अपनी भूखमरी सब कुछ भुला के उन्हें भी इस समय इलेक्शन के दौर में एक नागरिक का कर्तव्य निभाना होता है और इस एगनी से गुजरना होता है, किसी एक का चुनाव करना होता है। सेट अगेंस्ट द पॉवर्टी ऑफ द विलेज इज द इलेक्शनरिंग ग्रुप, देयर अटेम्प्ट्स एट फाइंडिंग द कॉमन विल, देयर डार्क लॉन्गिंग्स एंड देयर विल टू पावर। और इस गरीबी के ठीक सामने के बैकग्राउंड में एक तरह से, या इसके विपरीत हमें दिखता है, गरीबी के विपरीत हैं इलेक्शनरिंग ग्रुप, यानी इलेक्शन के लिए आए हुए जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। देयर अटेम्प्ट्स एट फाइंडिंग द कॉमन विल, और उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है गांव में कॉमन विल, यानी क्या चीज़ है जिससे सामंजस्य बिठा सके, क्या मांग हो सकती है, या क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि सब एकजुट हो जाएं, यानी एक तरफ झुक जाएं मतदान के लिए किसी एक कैंडिडेट की फेवर में या अगेंस्ट में मत करने के लिए क्या कारण बन सकता है जिसकी तरफ मासेस हो जाएं। डार्क लॉन्गिंग्स, इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, कुछ सभ्य इच्छाएं भी हैं तो कुछ दूसरी इच्छाएं भी हैं, यानी जो इलेक्शन में आता है वो स्वयं चाहे कैसा भी क्यों ना हो जीतने के लिए ही आता है इलेक्शन के मैदान में। हारने कौन चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है, कैसे भी करके जीतना चाहता है। देयर विल टू पावर मेक्स देम डू सो मैनी अनएथिकल थिंग्स एज वेल। तो यहाँ डार्क लॉन्गिंग्स की बात की, इसलिए कि उनकी सारी इच्छाएं ज़रूरी नहीं कि स्वच्छ हों। द पावर ऑफ द पोएम कम्स from the poet's careful negotiation between both sets of people. और इस कविता की ताकत ही वहीं से आती है जहाँ कवि जो है बहुत सावधानी से negotiate कर रहा है इन दो तरह के लोगों के बीच, एक जो वोट मांगने आया है, दूसरा जो वोट देगा, वो गरीब भूखमरी से का शिकार गरीब दीनहीन जिसको वोट देना है, अब उसकी भी कहीं कोई वैल्यू है, अब वो कितने में बिकेगा या क्या उसकी बोली लगेगी, ये अभी देखने की बात है। महापात्रा डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्शनरिंग ग्रुप एज ब्लाइंड कैलस इंडिविजुअल्स, सिंस द पॉवर्टी एंड मिजरी ऑफ द विलेजर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द आईज ऑफ द कैंपेनर्स, दस सिग्निफाइंग द रिकग्निशन ऑफ द टॉर्मेंट ऑफ द मासेस। और महापात्रा ने ऐसा नहीं किया है कि जो इलेक्शन लड़ने यहाँ लोग आए हैं, जो ग्रुप आया है, उनको अंधा नहीं बताया है या कैलस भी नहीं बताया कि बिल्कुल केयरलेस हैं या ध्यान ही नहीं है उनका यहाँ के लोगों की गरीबी की ओर, ऐसा नहीं है। क्योंकि पॉवर्टी और मिजरी जो इन गांव वालों की है वो हमको दिखने को किसकी नज़र से मिल रही है? हम ये इलेक्शन लड़ने के लिए जो ग्रुप यहाँ पहुँचा है, कैंपेनिंग कैनवसिंग करने के लिए जो ग्रुप यहाँ आया है, इन्हीं की नज़र से तो हम इन गांव वालों की गरीबी देख पा रहे हैं। तो रिकग्निशन तो है इनकी नज़र में, कैंपेनर्स जो हैं वो देख पा रहे हैं कितने टॉर्चर से या कितने टॉर्मेंट से यहाँ की जनता गुजर रही है। साइमल्टेनियसली द आयरनी ऑफ द ग्रेट परसुएडर्स पॉइंट्स टू द कैज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स। और इसके संग संग ही हम ये भी देख रहे हैं द आयरनी ऑफ द ग्रेट परसुएडर्स, माने कि क्या कितनी विडंबना है इनकी
कि ये जो परसुएडर्स हैं, यानी ये क्या करने आए हैं, ये यहाँ के मतदाता को परसुएड करने आए हैं, कन्विंस करने आए हैं ताकि वो उनके कैंडिडेट के लिए वोट दें। तो एक खाई है इन लोगों के बीच, इन दोनों लोगों के बीच, ये जो वोट मांगने आए हैं और वो ग्रुप जिनसे कि ये मत चाह रहे हैं। द ब्लीकनेस ऑफ द एंटायर पोएम इज रीइटरेटेड एंड अंडरस्कोर्ड इन द लास्ट स्टैंजा वेयर द चॉइसेस आर स्पेल्ड आउट। और कितनी, यानी कैसी ब्लीक हालत है, यानी कितनी, क्या मैं आपसे कहूँ, बहुत ही दयनीय हालत है। और इस कविता की दयनीयता भी वहीं पे बार बार दोहराई जाती है और स्पेशली अंडरस्कोर की जा रही है, दोबारा उस पर जोर भी दिया जा रहा है आखिरी स्टैंजा में, पढ़ते समय हम देखेंगे इसको, कि वे द चॉइसेस आर स्पेल्ड आउट, यानी चॉइस क्या है, उस मतदाता के सामने किस किस्म की चॉइसेस हैं, क्या वो चुन सकता है, किन में से उसे बेहतर चुनना है। दे आर नॉट रियली चॉइसेस एट ऑल। और पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये भी कोई चुनाव हुआ, उसमें चॉइस है ही कहाँ, जैसी परिस्थिति से वो गुजर रहा है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। इवन एज द विलेजर्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देयर ओन रियलिटी, वन कम्पोज ऑफ स्टारवेशन डेथ्स एंड अक्यूट वॉन्ट, दे ऑल्सो कॉम्प्रीहेंड द एजेंडा ऑफ द पॉलिटिशियंस, वन विच विल नॉट नेसेसरली बेनिफिट देम। और गाँव वालों को तो अपनी गरीबी तो पता ही है, वो अपनी हालत को स्वीकार भी कर लेता है कि उसको पता है, गाँव वालों को मालूम है कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। और वो स्टारवेशन डेथ से है, उसकी हालत में क्या है, बहुत गरीबी है, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ मिल जाए वही उसके लिए एक एडिशन हो जाएगा, वेलकम होगा। दे ऑल्सो कॉम्प्रिहेंड द एजेंडा ऑफ द पॉलिटिशियंस। और इस समय हालांकि उनको अपनी गरीबी का एहसास तो है और बड़ा ही अक्यूट एहसास है कि हम कितने गरीब हैं और हमारी कितनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक एहसास और भी होता है, पॉलिटिशियन के एजेंडा का एहसास होता है। और वो ये समझ जाता है कि इस नेता को लाने से भी ज़रूरी नहीं कि उसकी स्थिति में कोई सुधार आएगा, यानी गरीब की स्थिति में सुधार आए नेता के आने से ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा वो गरीब भी समझ गया है मतदाता बनने से पहले ही। बट द चॉइस इज़ ऑलरेडी मेड फॉर देम। लेकिन उनके पास तो कोई चुनाव का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि चुनाव तो उनके लिए हो चुका ऑलरेडी। बाय सेलिंग देयर वोट्स दे माइट बी एबल टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर डेली नीड्स। अपना मत बेचकर वो हो सकता है अपनी रोज़मर्रा की कोई एक आध ज़रूरत पूरी कर पाए, सम ऑफ देयर डेली नीड्स, डेली जो रोज़ की ज़रूरतें हैं, भूख मिटाने के लिए या तन ढकने के लिए या बच्चे के लिए कोई छोटा मोटा खिलौना ही क्यों ना हो, ये सब जो आवश्यकताएं हैं उनकी वजह से उनका चुनाव जो है वो पहले ही हो चुका है। यानी देयर माइंड्स आर मेड अप दैट देयर वोट इज़ फॉर सेल एंड दे नो, ऑल्दो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू काइंड ऑफ यू नो चूज from so many material things, but whoever gives them more material things will definitely win their vote here, because the choice is actually no choice for them, because they are forced from the way they are living in poverty and starvation to choose from the material benefits being offered by these politicians.